Hey guys, welcome back to another episode of Pokemon Ultra Shining Gold Sigma. तो guys, last episode में हम लोग आ चुके थे कैंटो रीजन में और यहाँ पे आते ही हम लोगों ने हमारा काम शुरू कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जिम को चैलेंजेस करना यही मेरा काम है। मैं एक दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेनर बनना चाहता हूँ, आई गेस मैं बन चुका हूँ अभी तक, तो एटलीस्ट इस गेम में तो मैं कह ही सकता हूँ। बिकॉज मेरी टीम में मैंने बहुत सारी चेंजेस कर लिए, मैंने ड्रैगनाइट को मेरी टीम में फिर से ऐड कर दिया, मेटाग्रोस को ऐड कर दिया है और आपका फेवरेट ग्रेनिंजा इसको भी मेरी टीम में ऐड कर दिया है। एंड गाइज, मेरे पास बहुत सारे मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैं इनमें से किस पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करूँगा। फॉर एग्जांपल, चारिजार्ड को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ, मेटाग्रॉस को कर सकता हूँ, केविन को कर सकता हूँ, गेंगार को कर सकता हूँ, वीनोसोर को कर सकता हूँ, ओके डिस्ट्रॉयर, ड्रैगन नाइट का कोई मेगा इवोल्यूशन है नहीं, बट ओके। एंड अगर देखा जाए तो इस गेम में ग्रेनिंजा को जो एश ग्रेनिंजा फॉर्म है वो भी एक मेगा इवोल्यूशन में काउंट होता है। सो बेसिकली मेरे टीम में 5 पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, बट इस बार मैंने मेगा इवोल्यूशन का जो काइंड ऑफ कंसेप्ट है वो मैंने सोचा कि ग्रेनिंजा के ऊपर अप्लाई करेंगे आज के एपिसोड में। सो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि मैं ग्रेनिंजा को मेगा इवॉल्व करूँगा या फिर एश ग्रेनिंजा में इवॉल्व करने वाला हूँ। दैट्स वाई मैंने इसको मेगा स्टोन दिया है, बाकी लोगों को देख सकते हो मैंने कुछ आइटम्स होल्ड करने को दिया है। मेटाग्रॉस को मैंने कोई आइटम दिया नहीं, ओके कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। आज के एपिसोड में हम लोग जिम बैजेस कलेक्ट करेंगे थोड़े बहुत। यहाँ पे दोपहर हो चुकी है बिकॉज मैं वीडियो दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इस गेम में काफ़ी अच्छी बात यही है कि जैसा टाइम होता है वैसे ये वेदर चेंज होता रहता है। एंड इस गेम में बेसिकली आफ्टरनून भी अपने को देखने को मिल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये आफ्टरनून ही हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी इवनिंग का टाइमिंग है, बट ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने थंडर बैच कलेक्ट कर लिया था जो कि था हमारा ऑफिशियली 3rd जिम बैच, और आज के एपिसोड में हम लोग आई गेस थोड़े से और बैजेस को कलेक्ट करूँगा, लेकिन इससे पहले मैक्स रिपेल ऑन कर लेता हूँ मैं। एंड हाँ गाइज, अगर आपको सेव फाइल डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। एंड जिन लोगों को सेव फाइल यूज़ करने में कोई भी तकलीफ़ आती है उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के रखी है, वो देख लेना। अगर आपने वो एक बार भी देख लिया तो आई एम प्रिटी श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। एंड इट डजेंट मैटर, आप कोई भी इम्यूलेटर यूज़ कर सकते हो, माइवा यूज़ कर सकते हो, जॉन जी बी ए यूज़ कर सकते हो, जॉन जी बी ए लाइट भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही मेथड है। जस्ट मेक श्योर कि जो गेम का नेम है वही नेम एग्जैक्टली सेव फाइल का होना चाहिए, तभी जाके वो सेव फाइल गेम में लोड होगी या फिर गेम के साथ कनेक्ट होगी। इतना सा बस आपको मेक श्योर करना है कि ये सब ठीक है, बाकी तो आपका सब कुछ हो जाएगा। मेरी वीडियो एक बार देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल तो अपने पोकेमोन को हील कर लेते हैं। आई डोंट नो मैंने क्यों हील कर रहा हूँ, बट पता नहीं, मेरे को मज़ा आता है पोकेमोन्स के साथ बैटल करने में, उनको हील करने में, नर्स जॉय को देखने में। ये क्या बोल दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो सैफ्रॉन सिटी में हम लोग आ ही चुके हैं। एक मिनट, मैं साइकिल यूज़ करूँ क्या? ओके, यहाँ पे एक जिम है जिसको हम लोग चैलेंज करेंगे, ऑब्वियसली बात है आई एम टॉकिंग अबाउट सबरीनास जिम। एंड ये पज़ल तो काफ़ी इजी होने वाले हैं, बट अपेरेंटली इस गेम में ये थोड़े पज़ल्स हार्ड होंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग मेक श्योर करना गाइस कि आप जो भी, ओह मैंने उसको डॉच कर दिया, डैम, प्लीज़ पीछे मत देख, ओके थैंक गॉड, ओके लड़की यहाँ पे मत देख। आपको अगर इस वाले टाइल पे आ गए ना, ये जहाँ पे 4 ऑप्शन बहुत क्लोज है इस लड़की के, मेक श्योर करना आप इस टाइल पे खड़े रहना, तो आप डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाओगे सबरीना के पास। देख सकते हो मैंने किसी के साथ बैटल भी नहीं की और मैं सीधा यहाँ पे आ चुका हूँ। आई न्यू यू आर कमिंग, 3 years ago आई हैड अ विजन ऑफ योर अराइवल, कुछ भी फेंकती है, यू आर आफ्टर माई बैज, ओके आई डोंट एन्जॉय बैटलिंग बट इट्स माई ड्यूटी एज अ लीडर टू कन्फर बैजेस, डू एनी वन हु हैज़ प्रूवन हिम और हर सेल्फ वर्दी, सिंस यू विश इट आई विल शो यू माई साइकिक पावर्स। ठीक है कोई बात नहीं, ये बैटल में फास्ट फॉरवर्ड करूँ क्या? देखा जाए तो कर लेता हूँ, वैसे भी जी बी ए गेम्स में फास्ट फॉरवर्डिंग में मज़ा आता है। लेट्स यूज़ मेगा इवोल्यूशन यानी कि एश ग्रेनिंजा गाइज, आपको मज़ा आता है एश ग्रेनिंजा को बैटल में देखते समय, मुझे नहीं पता क्यों बट आता है। एंड हाँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, ओके मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मेरे लिए कोई भी चैलेंज होने वाला है। कि गार्डिवर एक दिक्कत की बात है, बट आई विल यूज़ आइस बीम, नहीं कुछ भी नहीं, और डैजलिंग बीम सुपर इफेक्टिव, ओ माई गॉड, ओके हमारा यहाँ पे एक दिक्कत का टाइम स्टार्ट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील।
साइकिक टाइप, सॉरी फेरी टाइप के लिए हमारे पास मेटियोर मैश है जो कि सुपर इफेक्टिव होने वाला है इसके सामने। अगर आपको नहीं पता तो फेरी टाइप के सामने दो टाइप ही सुपीरियर होता है, जो कि एक होता है पॉइजन टाइप और एक होता है स्टील टाइप। एलेकजाम के लिए मुझे चाहिए कोई डार्क टाइप, एंड मेरा केविन है ना, या फिर गोस्ट टाइप भी चल जाएगा। सो वी विल सिंपली यूज़ शेडो बॉल, ओके एक नंबर, पॉरीगॉन टू, ओके लेट्स यूज़ डिस्ट्रॉयर। मैं सारे पोकेमॉन्स के साथ बैटल करना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक को ही बार बार यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स यूज़ ड्रैगन क्लॉ, एक बूस्टेड अटैक। बूस्टेड क्यों? क्योंकि ये खुद भी एक ड्रैगन टाइप है, एंड अगर एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ड्रैगन टाइप हमले करता है तो वो थोड़े से मूव को स्टैप बूस्ट मिल जाता है। ओके खुद को मत हर्ट कर ब्रो। ओके इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ। वाओ हीलिंग में तेरे को, अरे क्या चालू है डिस्ट्रॉयर, मैंने तेरे को इसी वजह से निकाला था कि तू कुछ कर नहीं पा रहा था। अब मेरे डिसीजन को सही मत खड़ा कर देना कि तू कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ओके डैम कितना कंफ्यूज है यार ये बंदा। मेरे डिसीजन सही था क्या? मैंने इसको निकाला था टीम से, वो सही था? आई एम नॉट श्योर बट ठीक है, इट्स ओके। हम लोगों को मार्च बैच मिल चुका है, एक और जिम बैच हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। आई गेस आज के एपिसोड में मैं बहुत सारे करूँगा, ये मैं सब नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है ये सब क्या होता है। तो TM कौन सा देगी मुझे बता? TM 29, ये कौन सा TM है? क्या आई थिंक लव इज साइकिक पावर, दिस TM विल हेल्प। ओके कौन सा दिया इसने, मेरे को खुद से चेक करना पड़ेगा। पोकेमॉन में जाके मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, एक मिनट, वेर इज़ माई TM केस? TM 29 इस साइकिक, ओके मेरे पास है, मतलब ठीक है मैं साइकिक सिखा सकता हूँ लोगों को। आई गेस मुझे अपने गेंगार को भी सिखाना चाहिए साइकिक, बिकॉज फिर वो थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा। सपोज़ गेंगार इज़ गोइंग टू फाइट गोस्ट टाइप, नो नॉट गोस्ट टाइप, अ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, या फिर कुछ ऐसे पोकेमॉन जो साइकिक से वीक होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कौन से पोकेमॉन साइकिक से वीक होते हैं? फाइटिंग टाइप वीक होता है, पॉइजन टाइप वीक होता है, और कौन से होते हैं? वेट मेरे को याद करने दो, हाँ आई गेस इतनी होता है। मोस्टली मैं साइकिक टाइप का यूज़ करता हूँ पॉइजन टाइप को टैकल करने के लिए, या फिर फाइटिंग टाइप को। और कोई है? अगर मैं भूल रहा हूँ तो मुझे बता देना कमेंट्स में। ओके एक मिनट, यहाँ पे एक और जिम है अगर मैं सही हूँ तो। अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो मे बी हम लोग सेलिडॉन सिटी में पहुँच जाएंगे, एंड सेलिडॉन सिटी में एक और जिम है, वो है एरिका का। ओके वो आई गेस यहीं पे किधर तो होगा। ओके ये है ना, यहाँ पे जो ट्री है इसको कट करेंगे यहाँ पे हम लोग, उसके लिए हम लोगों को कट सिखाना पड़ेगा मेरे पोकेमॉन को। कट किधर गया? कट आई गेस ऊपर होगा वो। ओके यहाँ पे हम लोग किस पोकेमॉन को सिखाए? मेटाग्रोस में भी तू कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तेरा कौन सा अटैक हटाऊँ? साइकिक हटा देता हूँ, बिकॉज अब हमारे पास साइकिक का TM ही आ चुका है। सो मैं तेरे को फिर से सिखा सकता हूँ साइकिक, डोंट वरी। एंड इस गेम में जो HMs होते हैं वो परमानेंट मूव्स नहीं है, कुछ कुछ गेम्स में HMs को डिलीट नहीं किया जा सकता उनके। अगर आपको HMs को डिलीट करना है तो आपको एक स्पेसिफिक मूव डिलीटर ढूंढना पड़ेगा, बट इस गेम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है या फिर कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट, ओ ब्रेंडन आ चुका है, हो लुकली हियर, इट्स अ जू टू चैम्पियन, वॉट यू आर डूइंग? डोंट टेल मी यू वॉन्ट टू बैटल अगेंस्ट दिस जिम लीडर, बट यू विल स्ट्रगल इफ यू डोंट हैव माई पोकेमॉन। ओके दैट मीन्स ऑफकोर्स दिस बैटल वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इफ आई कीप दिस रिदम आई विल बी बेटर दैन यू इन नो टाइम। ओ या फर्स्ट आई नीड टू टेक केयर ऑफ यू। ये लोग क्या समझते खुद ने, मतलब खुद को मुझे नहीं समझ में आता। मेरे को मेगा एवोल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं तेरे पोकेमॉन्स को हराने के लिए। ओके एक सीजोर, ओके यूनाइट में भी ऐड कर दिया सीजोर, वो डैम क्रिटिकल हिट। अरे यार स्वम्पट मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा। अब एक चीज़ दिखाऊँ गाइस, पंच शॉट के लिए ऐसा किया जाता है,
इट्स बिकॉज ये पोकेमॉन ग्रास टाइप के सामने 4 times वीक है, सीरियसली। मतलब अदरवाइज ये पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप इसके सामने कोई ग्रास टाइप मूव करेंगे तो वो टेक ही नहीं पाएगा बेचारा। यू हैव डिफिटेड माई पोकेमॉन दिस टाइम, बट स्टिल आई विल बिकम द चैम्पियन एंड देन आई विल बैटल यू टू शो एवरी वन दैट माई पोकेमॉन आर द रियली बेस्ट। आई एम गोइंग टू सी यू, ओके आई एम गोइंग सी यू, ठीक है। वो तो चला गया, बस बोलता रहता है, कुछ करता तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग हमारे पोकेमॉन को हील कर लेंगे। वेट, इस गेम में पता है एक ही चीज़ मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी। नॉर्मली गेम्स में सब डिवाइडेड रहता है, नहीं डिवाइडेड नहीं कह सकते, शॉर्टेड रहता है अपने आप में। हीलिंग आइटम्स अलग होते हैं, बैटल आइटम्स अलग होते हैं, बट इस गेम में ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली। बट ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे एक बार मैं गेम सेव कर लेता हूँ एंड लेट्स गो। ओके, रेपेल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मुझे। ये काफ़ी इजी है, यहाँ पे मुझे किसी के साथ बैटल करने की ज़रूरत ही नहीं है। डैम, और मेरे को कट सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आराम से आ गया एरिका के पास। क्या सिक्योरिटी है तेरी है। हेलो लवली वेदर इजंट इट, इट्स सो प्लेजेंट, आई एम अफ्रेड आई मे डोज ऑफ। माई नेम इज़ एरिका, आई एम द लीडर ऑफ सेलेडॉन सिटी। और हाँ, तेरे चमचे लोग कहाँ हैं, तेरे को क्या सिक्योरिटी दी है। ऑल द वे फ्रॉम जोटो यू से, हाउ नाइस। ओ आई एम सॉरी आई डेंट रियलाइज दैट यू विश टू चैलेंज मी। वेरी वेल, बट आई शॉल नॉट लूज, आई विल गिव यू अ एम्पैथी लेसन। तुम लोगों को क्या लगता है, हाँ तुम कैंटो के हो तो तुम लोग स्ट्रांग हो, बट सीरियसली एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप स्ट्रांग नहीं हो, और ये मैं प्रूफ दूंगा अभी आपको। क्या ये वन शॉट किल कर पाएगा इसको। डैम कर दिया। ग्रेनिंजा या फिर एश ग्रेनिंजा इज रियली ओपी गाइज। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्यों एश ग्रेनिंजा इतना पसंद है। बट ये एश ग्रेनिंजा नहीं है, ये ओमकार ग्रेनिंजा है, बिकॉज आई एम नॉट एश, या फिर ओमी ग्रेनिंजा, बिकॉज इस गेम में मेरा नाम ओमी है। बट स्टिल इट्स ओके। एक बेलोसम, और मैं कितने जिम लीडर्स को एक। ओ ये बच कैसे गया। आई गेस वी आर डन, मुझे लगा ही था क्रिटिकल हिट लगी। कोई नहीं, मेटाग्रॉस आई चूज यू, लेट्स यूज एक्स सीजर्स। ग्रास टाइप के सामने वो भी सुपर इफेक्टिव होता है। लिटरली ग्रास टाइप्स के बहुत सारे वीकनेसेस होती है। आइस टाइप वीकनेस है, फायर टाइप वीकनेस है, बग टाइप वीकनेस है, फ्लाइंग टाइप वीकनेस है, लिटरली। ओ इसने सुला दिया मेटाग्रॉस को। मतलब देखो, लोग पता है क्यों ग्रास टाइप को वीक टाइप मानते हैं, बिकॉज उनकी बहुत सारे वीकनेसेस है, एंड वही एक रीज़न है लोग ग्रास टाइप पोकेमॉन्स को वीक मानते हैं। अदरवाइज मेरे को तो कोई और रीज़न नहीं पता जो कि। अबे कितना सुलाएगा ये क्या फालतू गिरी है। अब मैं फुल हील यूज़ करूँगा। कहाँ गया फुल हील, मेरे पास होगा ना, मैंने खरीद कर तो रखा था बहुत सारे। फुल हील कहाँ गया। ओके ये है रहा। अब बच के दिखा, लेफ्ट ओवर डाल के रखा है अपने ऊपर। अरे यार ये पोकेमॉन, और पता है स्पोर एक ऐसा मूव है जो कि 100% हिट करेगा। इट्स लाइक 100% सामने वाला पोकेमॉन सो ही जाएगा। अगर इसने एक बार और यूज़ किया ना स्पोर, कसम से मैं पोकेमॉन। रुक, तेरा तो गेम बजाना ही पड़ेगा। रुक बेटा रुक, मतलब रुक। लूकस आई चूज़ यू, तेरे को इसका बदला लेना पड़ेगा। आई एम प्रिटी श्योर लूकस की स्पीड ज़्यादा होगी इससे। लेट जस्ट यूज़ फायर पंच। ओके बदला ले लिया, रिवेंज टेकन। एक सनफ्लोरा, क्या फायर पंच में ये वन शॉट किल होगी। एग्जैक्टली होगी ना, क्यों नहीं होगी। ओके हरा दिया इसको। डैम, हम लोगों को रेनबो बैज मिल चुका है, और अब तू अपना भाषण मत देना मेरे को सीधा, कोई टीएम देने वाली है तो दे दे, बिकॉज मेरे को आज के एपिसोड में बहुत सारे जिम लीडर्स को हराना है। बिकॉज बेसिकली आप सभी को फायर रेड की स्टोरी तो पता ही है, तो मैं वही स्टोरी रिटर्न क्यों खेलूँ ना, क्यों ज़्यादा एपिसोड्स बनाऊँ। मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ना ही मेरा टाइम वेस्ट करूँगा। आई होप आप लोग मुझे अच्छा समझ रहे हो, बिकॉज मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। बट इट्स ओके गाइज, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग कट यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डैम, एक मिनट, अब मैं वो काम कर लेता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। मैं मेरे पोकेमॉन को साइकिक फिर से सिखा देता हूँ। साइकिक का तो टीएम मिला था जब मैंने सबरीना को हराया था। ओके एंड इसको हराने के बाद आई गेस मेरे को गीगा ड्रेन मिला, तो ठीक है। स्टिल
गीगा ड्रेन और साइकिक, साइकिक का तो नहीं था मेरे पास, लेकिन गीगा ड्रेन का मेरे पास पहले से ही था टीएम, तो ठीक है। अब मैंने दो को तो हरा दिया, अब इस सबसे नज़दीक कौन सा जिम है यहाँ से? अगर आई डोंट थिंक मैं यहाँ से फ्लाई कर पाऊँगा, आई गेस मुझे पहले उस सिटी को या फिर टाउन को विज़िट करना पड़ेगा, उसी के बाद आई गेस आई आई एम गोइंग टू एबल टू विज़िट दैट टाउन या फिर थ्रू द फ्लाई, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट गाइज लिटरली मैं 14-15 मिनट में ही मैंने दो जिम बैजेस हासिल कर लिए, ये काफ़ी अच्छी स्पीड है ऐसा देखा जाए तो। फिर तो मैं एक दो एपिसोड में ही पूरा गेम ख़त्म कर दूंगा, बट ठीक है, लेट्स यूज़ फ्लाई एंड डैम। नहीं, हम लोग सब जगह को विज़िट नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग जाएंगे सैफरॉन सिटी, बिकॉज़ वहाँ से अभी हम लोगों को ऊपर जाना है। एंड गाइज अगर आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज़ ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का नहीं इवनिंग का टाइम है, एंड अभी नवरात्रि चालू है तो आई गेस बैकग्राउंड में कोई गाना भी ना बज रहा होगा। यार इतना लेट तो नहीं हुआ कि गाना बजना स्टार्ट होना चाहिए? बिकॉज़ वो तो शाम को बजना चाहिए। यार मैं कितना बड़ बोला हूँ, क्या बोलता रहता हूँ, पता है मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ? बिकॉज़ जिससे कि आप लोग अवॉइड कर सकते हो बैकग्राउंड में वॉइस जो भी आ रही है, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत बोल रहा हूँ यार, मेरे को शांत रहना चाहिए। एक काम करते हैं, सीधा जिम बैटल करेंगे। ये ब्रेंडन यहाँ पे फिर से आ गया, तेरी दिक्कत क्या है ब्रो, कर ले बैटल। ओके सीजोर इसका लेवल अप हो गया। आई विल सिंपली यूज़ लूकस, बिकॉज सीजोर के सामने एक ही पोकेमॉन बहुत काम का है, जो कि है एक फायर टाइप पोकेमॉन। इसके सामने 4 टाइम्स, और डैम मानना पड़ेगा यार ब्रो, तेरा डिफेंस सही में काफ़ी स्ट्रांग हो। पता है फ्लेम थ्रो हटाना नहीं चाहिए था मुझे, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक विबारा, इसके लिए मेरे को ग्रेनिंजा चाहिए, ग्रेनिंजा इसको आराम से हरा देगा। आइस बीम, आई एम प्रिटी श्योर आइस बीम में चला जाना चाहिए। एंड गाइज अभी मेरे को आई गेस एपिसोड इस बैटल के बाद ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज फिर बैकग्राउंड में वॉइस आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता आप लोगों को वो सब सुनना पड़े। सो ये बैटल के बाद सैडली ये एपिसोड ख़त्म होने वाला है, एंड आई गेस ये मेरे अभी तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा, आई एम नॉट श्योर। बट गाइज प्लीज़ इस एपिसोड को पूरा देखना, ताकि ये एपिसोड लोगों के रीच में आ सके। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट आज के एपिसोड में फिर भी मैंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया काफ़ी कम टाइम में। ओके अभी ये म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट हो चुका है, तो आई गेस ठीक है, अभी मैं मिस्टी को फिर कभी चैलेंज करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज एपिसोड, आई होप आप लोगों को आज का छोटा सा एपिसोड काफ़ी पसंद आया। आई डोंट नो ये मेरा एपिसोड सबसे छोटा है क्या, मतलब मैंने ये रिकॉर्ड बना लिया सबसे छोटा, एटलीस्ट मेरा एपिसोड बनाने वाला, बट ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।